आई होप यू नो अमेजिंग डे तो गाइज आज जो सा है वो टाइम आ चुका है कि हम अपने हेलमेट के ऊपर जो है गोप्रो को माउंट किया जाए जो पिछला मेरे पास हेलमेट था उसके ऊपर तो ऑलरेडी डन है लेकिन मैंने कहा कि एक दोबारा से वीडियो बना ली जाए और ये ज़रा आसान होगा मेरे लिए पहला जो फर्स्ट टाइम था एक्सपीरियंस मेरा उसको करना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था जिसकी वजह से मुझे भी परेशानी हुई लेकिन इस दफ़ा फाइन शाह तला तो जो वो हम जल्दी इसको सेटअप को कम्प्लीट कर लेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को सो so गाइज अभी जो है आपको मालूम है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी जो है थ्री एम टेप ये मैंने जो लास्ट टाइम सेटअप किया था ये उसमें से बची थी मैंने कभी दोबारा यूज़ हो जाएगी इसको कहा जाता है जी जे माउंट जो कि नीड होगा स्क्रूज एंड दिस इज़ एनदर माउंट जो कि कर्व माउंट है ये देखिएगा ठीक है स्ट्रेट माउंट नहीं है क्योंकि मेरा हेलमेट आगे से आ, मैं आपको दिखाता हूँ अभी और इसके बाद हमें एक माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ेगी और हेलमेट की रही बात ये देखिएगा ये जो हेलमेट है थोड़ा सा आगे से कर्व है तो इसके लिए हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो कर्व माउंट की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा देर किए बग़ैर हम लोग करते हैं स्टार्ट अपनी सेटअप की सो लेट्स गो इफ़ यू कैन सी हेयर अभी जो हमें ज़रूरत पड़ेगी फर्स्ट ऑफ़ ऑल माउंट की ज़रूरत पड़ेगी अच्छा जो इसके पीछे है थ्री एम टेप ऑलरेडी लगी हुई है क्योंकि मैंने इसको सेटअप करने की कोशिश की थी ओल्ड हेलमेट पे तो लेट्स स्टार्ट और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्या करना पड़ेगा देखिएगा अगर यहाँ पे मैं इसको इस तरह लगा रहा हूँ इसको माउंट को तो यहाँ से स्पेस बच रही है थोड़ी सी उसके लिए मैंने क्या करना है उसके लिए मैं क्या करूँगा मैं उसको ये वाली देखिएगा मैंने कटिंग करके रखी हुई है तो इसको मैं जस्ट इस तरह अटैच कर दूँगा इसके साथ जो कि ये स्पेस कवर अप हो जाएगी अगर नीचे से भी हुई तो मैं नीचे से भी करूँगा साइड से हुई तो साइड से भी दोनों साइड से कवर अप करूँगा इसको तो लेट्स स्टार्ट इट अगर नाम लेके शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हमारा जो ये सेटअप है ये वेल एंड गुड रहे ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी ना करनी पड़े ये ध्यान रखिएगा कि इसको जो उनसे आना ये स्ट्रेट होना चाहिए ताकि आगे हमें प्रॉब्लम फेस ना हो वीडियो बनानी है उसके लिए हमें प्रॉब्लम फ़ेस ना हो तो थोड़ी सी मैं वीडियो को फास्ट करता हूँ अगर आप लोगों को ये देखिएगा इस साइड से स्पेस अगर नज़र आ रही हो तो ये मैंने अभी इसको फ़िलअप करना है इस साइड से भी और फिर मैं इस साइड से भी इसको फ़िलअप करूँगा यू कैन सी के यहाँ से भी जो है वो गैप फिलअप हो गया है ऊपर वाली साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी मेरे पास साइड वाला माउंट भी था लेकिन मैंने प्रेफर किया है कि फ्रंट वाला माउंट जो है वो लगाया जाए और इसको यहीं पे एडजस्ट किया जाए इसको थोड़ा सा और मजबूत बनाने के लिए इसके ऊपर मैं जो सा हूँ वो ये आइफी डालूंगा क्योंकि मैंने पिछले वाला भी जो है ना वो मैंने यूज किया हुआ तो पहले तरह इसको अभी मैं प्रेस नहीं कर रहा ठीक है और थोड़ा सा डालूंगा इस साइड से ताकि वो अंदर चला जाए और इस साइड से भी और फिर उसके बाद मैं इसको इस साइड से प्रेस करूंगा इतनी ज़्यादा नहीं लगानी कि वो बहुत बुरी लगे इसको बाद में उतारा भी जा सकता आसानी के साथ लेकिन ये होगा कि आपको जो अलग से एक उसके स्ट्रैप लगानी पड़ेगी गोपरो के साथ के कहीं गिर ना जाए कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो इससे जो है ना वो कोई तो टेंशन नहीं रहती कि गोप्रो हमारा नीचे गिर जाएगा जंप की वजह से या कोई ज़्यादा ऑफ रोड आता है तो और फिर इसके ऊपर जो मैंने ये दो से तीन लगाई हुई इसको भी मैं कंबाइन कर दूंगा यहाँ से माइक्रो जो है वो मैं अंदर वाले हिस्से में कहीं पे भी, भी फिट करूँगा और अपने जो है नाक से दूर ताकि अगर मैं बोलता हूँ तो वो प्रॉब्लम ना हो मुझे और उसके बाद इसकी जो वायर है कहीं साइड से लेके जाकर इसके साथ अटैच कर दूंगा सो गाइस हेयर वी गो आवर से अभी जो मैंने इसको टाइट बांध नहीं किया इसको सारी रात सूखने के लिए रखूँगा फिर उसके बाद जो सा इसका ट्राई करूँगा इसको राइड करूँगा पहन कर और देन इंशाल्लाह तौ उम्मीद पूरी होगी कि ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा देखिएगा वाइजर भी है ये आसानी के साथ ऊपर लिफ्ट अप हो रहा है इसको जैसे मर्ज़ी मैं पीछे भी लेके जा सकता हूँ इसको आगे भी एडजस्ट कर सकता हूँ लेकिन ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है तो आई होप कि इसको उतार लिया जाए ट्वेंटी फोर आवर्स जो इसको गेट करवाया गया इसको सूखने के लिए रख देना चाहिए और ये देखिएगा इतना बुरा नहीं लग रहा एज यू कैन सी इट्स वेरी क्लीन एंड नीट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट फुटेज के लिए जो है वो स्ट्रेट होना लाजमी है ये काम जो सा है माइक का इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है जब उसको मैं लगाऊँगा अटैच करूँगा तो इसके साथ रोल ओवर करके जैसे ये भी हुआ हुआ है इसके साथ करके जैसे इसको मैं यूज़ कर लिया करूँगा और मैं इसको जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ये वाली जो वायर है ये अंदर रख लिया करूँगा क्योंकि जो मेरा पिछला हेलमेट था वो मैं वायर ऊपर नीचे करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस मैंने किए हैं वायर जो से मैंने तीन या चार जो से माइक में मंगवा चुका हूँ इस तरह के कोई दूसरा वे ढूंढूंगा ताकि जो मेरा माइक है ये ख़राब ना हो इसके जो यहाँ से ये है ना ये ख़राब वायर निकल जाती हैं बाहर से तो ऐसी थी एक छोटी सी वीडियो जो कि गोप्रो की माउंट के लिए मैंने सेटअप किया ऑन हेलमेट इन शाला ती तरह की नई वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा लाजमी मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करते रह करें मेरा इंस्टाग्राम है एडवेंचरस डोट बाइकर आई होप ये आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी फिर इंशाल्लाह तला मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और घर वालों का भी अल्लाह निगेबान